देर में मेरे अरमान की शादी हो जाएगी। तुम्हें कैसे भी करके मेहर को आसमा के हाथ नहीं लगने देना, समझे? और अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाय आसमा, मिलते हैं शादी के बाद। आज तो अरमान मेरा होके ही रहेगा। उडारिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जैसे ही रंधावा यानी कि आसमा के पापा ने ये आइडिया दिया घर वालों को कि बच्चों के खातिर, बच्चे बहुत छोटे हैं उनके खातिर हमें अरमान और आलिया की शादी कर देनी चाहिए, तो यहाँ पर आलिया काफ़ी खुश होती है। और इसी के साथ इस बार आलिया मैडम जो है एक नए प्लान के साथ सामने आई है, जहाँ पर हमें 7 साल पहले आलिया के साथ मिलकर तुमने मेरी बेटी गायब की थी। कहाँ है वो? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मुंह खोलोगे अपना कि 7 साल पहले जलंधर में आने मैम ने मुझे बच्चे दी थी। जिस बच्ची को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, थोड़ी सी भी ठिकाने लगा दो। देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार वो अरमान और आसमा का डिवोर्स करवा देगी। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो डिवोर्स पेपर्स लेकर आती है और घर वालों को कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि इतने जल्दी इस पेपर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बना लिया था। और यहाँ पर आलिया जो है वो आसमा और अरमान को कहती है कि अगर, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बच्ची के साथ क्या करूं। मैंने बच्ची को नदी में फेंक दिया। इसकी माँ कौन है? आपको तो बस मिली थी ना, नदी में डूब रही थी और आपने इसे बचाया। तुम चाहते हो कि हम दोनों की शादी हो तो तुम दोनों को डिवोर्स करना ही होगा, वरना हमारी शादी लीगल मानी जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अरमान और आसमा दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए और इमोशनल होकर इन दोनों लोग पेपर्स को साइन कर देंगे। तो वही आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर कन्नू और आलिया की एक साथ मेहंदी सेरेमनी हो रही है और यहाँ ये बात 8 जून की। पर दोनों को मेहंदियां लग रही है और दोनों काफी खुश हैं। और वहीं हम देख रहे हैं कि भाई बच्चियां यानी कि मेहर और हानिया चाहती है कि यहाँ पर आलिया की शादी अरमान से ना हो, तो यहाँ पर बच्चियां भी काफी सारे खेल रच रही हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों बच्चियां मिलकर मेहंदी में गोबर मिला देती है ताकि वो आलिया को मजा चखा पाए। और इसी बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आसमा जैसे ये मेहंदी आलिया को लगाती है तो आलिया को उल्टी आने लगती है और बहुत गंदी स्मेल आती है। और यहाँ पर बच्चियां हंसने लगती है और कहती है कि हम अपने पापा की शादी, अपने पॉप्स की शादी कभी भी आलिया से नहीं होने देंगे और हमारी माँ सिर्फ और सिर्फ आसमा है। और यहाँ पर भाई आलिया जो है काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, लेकिन फिलहाल ये बच्चे हैं, उनकी गलती है, तो सब लोग इसे इग्नोर करते हैं और सब लोग पूरे मेहंदी सेरेमनी को एंजॉय करने लगती है। इसी के साथ आलिया जो है बच्चों को पनिश करती है, जो कि इन दोनों को, हानिया और मेहर को, बाथरूम में ले जाकर लॉक कर देती है। लेकिन समय रहते यहाँ पर आसमा बच्चों को बचा लेती है और आलिया को वार्न करती है कि मेरे बच्चों को कभी छू ना मत। इसी के साथ आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई आसमा ने इस बार दोनों बच्चियों को अपने पापा के घर भेज दिया है ताकि आलिया उन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर आलिया और कन्नू की मेहंदी सेरेमनी हो रही होगी। यहाँ पर झूला जो है जिसे आसमा ने सजाया वो झूला टूट जाता है और यहाँ पर सभी लोग काफी हंसते भी हैं आलिया पर। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार आलिया जो है काफी बड़ा कदम उठाएगी और यहाँ पर आसमा हो सकता है अपने प्लान में हमेशा के लिए फेल हो जाए, क्योंकि इस बार आलिया ने आसमा की सबसे बड़ी वीकनेस को पकड़ ली है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बार दोनों बच्चियां यानी कि मेहर और हानिया जो है वो आलिया के कब्जे में है।